हे भगवान शिव, इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक करे उसकी जन्म जन्मांतर की गरीबी को दूर कर देना। हे शिव, हम सब आपकी ही संतान हैं। दोस्तों, मर जाना लेकिन मुख्य द्वार पर भूलकर भी ऐसे जल मत छिड़कना जैसे कि हम वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, मुख्य द्वार पर गलत तरीके से जल छिड़कने से घर बर्बाद हो जाता है, और हो सके तो जब भी घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़काव करें तब गणेश जी का यह मंत्र जरूर बोलें, जो कि कुछ देर बाद हम आपको वीडियो में बता देंगे। और वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि मंदिर में जो एक लोटा जल रखा जाता है उसका क्या करें। मंदिर का लोटा कैसा हो, पीतल का हो, तांबे का हो, और मंदिर में जो एक लोटा जल रखा होता है उस जल का हम क्या करें। कुछ लोग करते हैं गलती और बाद में पछताते हैं। ऐसी गलती आप कभी मत करना, नहीं तो कंगाल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। मंदिर में एक लोटा जल ऐसे कभी मत रखना। दोस्तों, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे। अगर इस वीडियो को आपको छोड़ देना ही है तो अभी छोड़ा देना, परंतु गणेश जी भगवान का अपमान मत करना वीडियो को अधूरा छोड़कर। इसलिए आपको घर के मुख्य द्वार पर जल कैसे छिड़कना है इस कार्य विधि को पूरा ही देखें। आधा अधूरा देखने से समझ लेना आप भगवान का अपमान कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत समय से आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है, किस समय हमें जल छिड़कना चाहिए, और क्या मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए स्नान करना आवश्यक है या बिना स्नान किए भी मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव किया जा सकता है। झाड़ू लगाने से पहले या फिर झाड़ू लगाने के बाद जल छिड़कना चाहिए। और एक और प्रश्न आया है कि क्या पीरियड्स में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं या मुख्य द्वार पर दीपदान कर सकते हैं। और जल से ही जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है आपका कि मंदिर में जो प्रतिदिन हम एक लोटा जल रखते हैं उस जल का हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए, क्या हम उसे खाने में प्रयोग कर सकते हैं या फिर हम किसी पौधे में डाल सकते हैं, उस जल का उपयोग किस प्रकार से होना चाहिए। और कुछ लोगों का कहना यह है कि जब हम मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो घर के अंदर की तरफ से जल छिड़के या घर के बाहर की तरफ से जल का छिड़काव करें, इसके बारे में कई लोग शंका में हैं। आज यह शंका भी दूर हो जाएगी। और मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से संबंधित आपका अगला प्रश्न है कि कई ऐसे लोग हैं जो कि फ्लैट में रहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि किराए के मकान में रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, तो उन्हें अपने घर पर मुख्य द्वार पर दीप दान किस प्रकार से करना चाहिए, जल कहाँ छिड़कना चाहिए, मतलब वह इस जगह को मुख्य द्वार मानकर वहाँ पर मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय करें, तो आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर ही आधारित है। मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है, तो देखिए, अगर आप मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जल आप एक दिन पहले ही, मतलब रात को सोने से पहले एक पात्र में कोई भी आप पात्र ले सकते हैं, जैसे कि आप एक तांबे का भी पात्र ले सकते हैं। तांबे का ना हो तो आप पीतल का ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं, जो भी पात्र आपके पास उपलब्ध हो। एक लोटे में थोड़ा सा गंगाजल डाल दीजिए और उसके ऊपर शुद्ध जल भर दीजिए। और हाँ, गंगाजल ना हो तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ शुद्ध जल से भी आप पात्र को भर सकते हैं, और उस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। अब जैसे कि आप अगले दिन सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करेंगे। अब बहुत से भक्तों के प्रश्न आए हैं कि क्या हम स्नान से पहले यह जल छिड़क सकते हैं या फिर स्नान करना आवश्यक है।
देखिए मुख्य द्वार पर जो सुबह सवेरे सबसे पहले जल से ढका जाता है, जैसे कि जो रसोई में रखा हुआ जल होता है, यह एक तरीके से उपाय के तौर पर किया जाता है। दोस्तों, घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, किसी भी प्रकार के दुख दर्द रहता हो, गरीबी हो या फिर कलह क्लेश बहुत अधिक रहता है, मतलब किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आप परेशान हैं, बहुत समय से परेशानियों में ही घिरे हुए हैं, तो ऐसे में घर की रसोई में रखा जाता है और यही जल घर के मुख्य द्वार पर सुबह उठकर ढांका जाता है। इस जल के छिड़काव से आपके घर की कोई भी परेशानी हो बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती है। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है, कलह क्लेश से भी मुक्ति मिलती है, बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। मतलब देखिए, किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, आर्थिक तंगी हो या आपके घर में कोई वास्तु दोष हो, किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के ऊपर कई प्रकार के बुरे ग्रह दोषों का प्रभाव होता है, जिसकी वजह से घर में परेशानियां हमेशा बनी रहती है, तो ग्रह दोषों के प्रभाव से भी आपको मुक्ति मिलती है, वास्तु दोष और पितृदोष भी समाप्त होता है। इसके साथ ही जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि उनके ऊपर किसी ने कुछ कर करा दिया है, उनके परिवार में किसी भी प्रकार की पहले कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अभी कुछ समय से परेशानियां लगातार आती ही जा रही हैं और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है परेशानी से निकालने का, तो किसी के भी किए कराए तंत्र मंत्र का प्रभाव हो, किसी की बुरी नजर का प्रभाव हो, तो भी आपके इस उपाय से, मतलब इस एक लोटा जल से, आपकी परेशानी स्वतः ही कुछ दिनों समाप्त हो जाती है, तो यह घर की सभी परेशानियों से मुक्ति पाने का रामबाण और सबसे सरल सबसे आसान उपाय होता है जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो आप अपने घर की रसोई में एक लोटा जल रखें, रात में भरकर और प्रातः काल जल्दी उठकर उसी जल से अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव कीजिए। अब जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि यह जल हमें किस समय अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए, तो देखिए सुबह सूर्योदय होने से पहले इस जल का छिड़काव आपके घर के मुख्य द्वार पर हो जाना चाहिए। आप चाहें इसके बाद आप शुद्ध जल से, मतलब किसी भी दूसरे जल से अपने घर के मुख्य द्वार को धोते हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर सूर्योदय होने से पहले हो जाना चाहिए। अब दोस्तों, जैसे आपका अगला प्रश्न है कि क्या हमें स्नान करके इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करना चाहिए या फिर बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। देखिए, ये जो हम जल छिड़कते हैं, मतलब यह एक उपाय होता है, तो इसे हम स्नान करने के बाद नहीं करते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं और उठकर सबसे पहले घर की रसोई में जाएंगे, उसके बाद उस जल को लेकर आप घर के मुख्य द्वार पर जाएंगे। मुख्य द्वार खोलकर, मतलब मैन गेट खोल दीजिए और उसके बाद मुख्य द्वार पर इसी जल का छींटा दीजिए, छिड़काव कर दीजिए और जल का छिड़काव करते समय अपने पितरों का ध्यान कीजिए, माँ लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि सुबह सुबह माँ लक्ष्मी प्रत्येक द्वार पर आती है, सबके द्वार पर आती है, जिनके भी द्वार खुले होते हैं, जिनके घर में जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर हुआ रहता है, उसके घर में प्रवेश कर जाती हैं, तो महालक्ष्मी का अपने मन में ध्यान कीजिए और एक तरह से प्रार्थना कीजिए, हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ, और इसके बाद अपने पितरों का ध्यान कीजिए, क्योंकि हमारे घर की दहलीज होती है, वहीं पर पितरों का वास माना जाता है। तो जब आप दहलीज पर जल के छींटे देते हैं तो आपके पितर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। तो सुबह जो आप जल छिड़के, इसके लिए स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, बिना स्नान किए भी कर सकते हैं।
दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। महालक्ष्मी जी, जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहा है उसके घर में सुख समृद्धि आए, उसके घर में कोई भी परेशानी नहीं आए और पूरा परिवार सुख शांति से अपना जीवन यापन करें। दोस्तों, अगर तुम में से कोई महालक्ष्मी जी को मानता है तो अगर सच में ही भक्त हैं, आप इस वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में एक बार जय महालक्ष्मी लिख देना और उसके मन में जो भी मनोकामना है वह पूरी कर देना। अब दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि क्या झाड़ू लगाने के बाद हमें जल का छिड़काव करना चाहिए या फिर झाड़ू लगाने से पहले भी जल का छिड़काव कर सकते हैं? तो देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि उठने के बाद सबसे पहला कार्य जो आपको करना है वह जल का छिड़काव ही करना है, उसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, जब हम सोकर उठते हैं तो सबसे पहले बिस्तर पर बैठे हुए ही अपने दोनों हथेलियों को जोड़कर और दोनों हथेलियों को सामने से जोड़कर पूरी हथेली को देखा जाता है, उसमें माँ लक्ष्मी का ध्यान किया जाता है, उसके साथ ही पांच देवताओं का ध्यान किया जाता है। पांच देवता कौन कौन से होते हैं? माँ दुर्गा, भगवान शिव, भगवान श्री हरि विष्णु, गणपति, गजानन और भगवान सूर्य देवता। पंच देवताओं का ध्यान हम अपने हाथों में ही करते हैं, हथेलियों में ही करते हैं। कारागृह वस्ते लक्ष्मी कर, मध्य सरस्वती कर, मूले तु ब्रह्मा प्रभात कर दर्शनम। दोस्तों, इस मंत्र का उच्चारण आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं। अपने इष्ट देवता का और पांच देवताओं का ध्यान अपनी हथेलियों में कर लीजिए। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं को प्रणाम किया जाता है और उसके बाद अपने हाथ से पृथ्वी का स्पर्श करते हैं, धरती को छूकर प्रणाम करते हैं दो बार या तीन बार और उसके बाद अपना दाहिना पांव पृथ्वी पर रखते हैं। दोस्तों, धरती पर रखते हैं, उसके बाद ही बाकी के जो सभी कार्य होंगे वो उसके बाद ही किए जाएंगे। जल का छिड़काव आप उसके बाद ही करेंगे, मतलब सुबह उठने के बाद सबसे पहले हथेलियों के दर्शन, फिर धरती को प्रणाम कीजिए, फिर धरती पर पैर रखें और उसके बाद रसोई में जाकर आपको जल लेना है और घर का मुख्य द्वार खोलकर मुख्य द्वार पर छिड़काव करना है, माँ लक्ष्मी का और अपने पितरों का ध्यान करना है। उसके बाद आप अपने घर में आ जाएंगे और उसके बाद जो भी आपकी रूटीन वर्क होते हैं, मतलब झाड़ू लगाएंगे या फिर आप स्नान करेंगे, ये सभी कार्य उसके बाद किए जाएंगे। और आप, जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि जब हम जल का छिड़काव करते हैं क्या उसी समय हम घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू लगाकर और पानी डालकर क्या हम मुख्य द्वार की अच्छे से सफाई कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले आप जो रसोई में रखा हुआ जल है उस जल का छिड़काव कर दीजिए, उसके बाद और भी पानी डालकर, मतलब अगर आपके पास जल और उपलब्ध है तो और जल लेकर और घर के मुख्य द्वार की अच्छी तरह से झाड़ू से या कैसे भी सफाई कर सकते हैं। और कई लोगों के प्रश्न आए हैं कि हम किसी फ्लैट में रहते हैं या फिर किसी ऐसे कमरे में रहते हैं किराए के कमरे में कि हमारे पास एक ही कमरा है, तो हम जल का छिड़काव या फिर दीपदान कहां पर करें, किसे हम अपना मुख्य द्वार माने? देखिए, जो आपका अपना कमरा है या फिर जो फ्लैट है आपका जहां पर आपका नेम प्लेट लगा हुआ है, आप उसी स्थान पर दीपदान करेंगे और उसी स्थान पर आपको जल का छिड़काव करना है, मतलब जहां पर अगर एक ही कमरे का मकान है तो आपके कमरे का दरवाजा है वहीं पर आपको थोड़ा सा जल छिड़कना है और वहीं पर आप दीपदान भी करेंगे, जो कि मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय होते हैं। वह आप अपने घर के, मतलब जो अपना कमरा है उसके बिल्कुल दरवाजे के पास ही करेंगे। और आपका अगला प्रश्न है कि क्या पीरियड में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं?
देखिए, जल का छिड़काव करने के लिए पीरियड हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ी ढूंढता। जल का छिड़काव कर सकते हैं। रही बात दीपदान की, तो दीपदान देखिए कार्मिक पूजा में आ जाता है, और कार्मिक पूजा हम बिना शुद्ध हुए नहीं कर सकते हैं। मतलब पीरियड समाप्त होने के बाद ही आप कर सकते हैं। दोस्तों, बाकी जल का छिड़काव आप कभी भी कर सकते हैं, पीरियड में भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और अब आपका प्रश्न है कि क्या मंदिर में जो हम जल रखते हैं, क्या वह रखना जरूरी है, और अगर हम रखते हैं तो उस जल का क्या करें? देखिए, मंदिर में जल रखना बहुत आवश्यक है। जल एक ऐसी चीज होती है जिसमें सभी प्रकार की जो एनर्जी होती है ऑब्जर्व हो जाती है। तो जो हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं या वहां पर प्रार्थना करते हैं, जो भी हमारे अपने मन की कामना भी कहते हैं भगवान से, तो सभी चीजें उस जल में समाहित हो जाती हैं। इसलिए पूजा करने से पहले घर के मंदिर में एक लोटा जल रखा जाता है, और उसके बाद दीपदान मतलब एक दीपक प्रज्वलित कर दिया जाता है। यह अग्नि और जल का एक तरह से बैलेंस भी हो जाता है, और इसलिए शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में एक लोटा जल भी हमेशा होना चाहिए और दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए। तो अब इस जल का करना क्या चाहिए? देखिए, जब हम जल रखते हैं, सुबह की पूजा में रखते हैं, मतलब सुबह जो हम पूजा करते हैं, प्रातःकालीन पूजा, उस समय जल रखा जाता है, और वह जल हम अगले दिन उठते हैं, मतलब जब आप अगले दिन पूजा करने जाते हैं। दोस्तों, स्नान इत्यादि करने के बाद तो आप उस जल को उठाते हैं। सबसे पहले तो उस जल का प्रयोग सुन लीजिए। आप अपने घर के सारे कमरों में, मतलब पूरे घर में उस जल का छिड़काव करते हैं, तो इससे आपके घर का शुद्धिकरण हो जाता है, क्योंकि वह बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ जल होता है। इससे कई बीमारी स्वतः ही दूर हो जाती है। उस जल का छिड़काव करने से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में नहीं होता। किसी भी प्रकार की परेशानी आपके घर में हो, अगर आप नियमित तौर पर उस जल का छिड़काव करें अपने घर में, तो निश्चित ही आप परेशानियों से मुक्ति पा जाते हैं। किसी के कर तंत्र मंत्र के प्रभाव से मुक्ति पा जाते हैं। दूसरा इसका उपाय आप कर सकते हैं, जैसे कि घर में कोई बीमार है तो आप इस जल को उस व्यक्ति को पीने के लिए दे सकते हैं, और यह जल इतना पावरफुल होता है कि इस जल को पीने से बड़ी बीमारियों से, मतलब लंबी बीमारियों से भी धीरे धीरे राहत मिलने लग जाती है। कई बार होता है ना कि आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि दवाई तो हम कर रहे हैं, लेकिन दवाई हमें लगता ही नहीं है, दवाई का कोई प्रभाव ही देखने को नहीं मिलता। तो ऐसे में अगर दवाई के साथ साथ उस जल को पीने के लिए रोगी को दिया जाए, यानी मेडिसिन इसी पानी से अगर खाई जाए, तो बहुत अच्छी दवाइयां काम करने लग जाती है। और जैसे कि परिवार में अगर बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, हमेशा आपस में सामंजस्य बनता ही नहीं है, आपस में हर बात पर मतभेद होता है, तो परिवार के सभी सदस्य इस जल में से अगर थोड़ा थोड़ा पीते हैं, तो धीरे धीरे विचारों में परिवर्तन आने लग जाता है, सकारात्मक विचार सभी के होने लग जाते हैं, और आपस में समन्वय होने लग जाता है। घर से कलह क्लेश और मतभेद हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। और मंदिर में रखे हुए जल का अगला उपाय क्या है? देखिए, अगर आप कोई दुकान करते हैं, कोई व्यापारिक स्थल है आपका, तो प्रतिदिन इसी जल में से थोड़ा सा जल ले जाकर दुकान पर, व्यापारिक स्थल पर छिड़काव कीजिए। इससे आपका दुकान, आपका काम बहुत अच्छा चलता है। मतलब किसी भी प्रकार की परेशानी आपके व्यापारिक स्थल पर नहीं आती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, यह जो जल होता है बहुत पावरफुल होता है, बहुत पॉजिटिव होता है। अब मंदिर में रखा एक लोटा जल पावरफुल और पॉजिटिव से भरा क्यों होता है? क्योंकि
क्यों इसमें सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है, आइए जानते हैं। देखिए, जल जो होता है, अमृत हुआ, मीठे मीठे फल हुए, भोजन हुआ, अनाज हुआ, उससे भी बढ़कर माना जाता है। देवी देवता आपके दिए हुए इसी जल को ग्रहण करते हैं। मंदिर में एक लोटा जल रखना उतना ही जरूरी है जितना आप सुबह, दोपहर, शाम का भोजन करते हैं। जब हम भगवान की पूजा करते हैं और तांबे के पात्र में या पीतल के पात्र में एक लोटा जल जरूर रखते हैं। जल जो होता है सागर रूपी होता है और यही सागर आपकी नैया पार लगता है। मंदिर में एक लोटा जल रखने का कारण एक और यह होता है कि जो लोग भगवान को डेली भोजन नहीं करा सकते तो वह मंदिर में एक लोटा जल रखते हैं ताकि भगवान इसे ग्रहण करें और यह जल रूपी प्रसाद। इसके अगले दिन यह सुबह के समय आप प्रसाद समझकर ग्रहण करें। लेकिन याद रहे, मंदिर में रखा लोटा जल कभी भी तुलसी में अर्पित नहीं करना चाहिए। उसके लिए आप अलग से तांबे के पात्र से तुलसी में जल अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि यह जल सभी देवी देवता ग्रहण करते हैं तो इसीलिए तुलसी में डालना वर्जित है। लेकिन हाँ, अगर आपके घर में लड्डू को बाल है, राधा कृष्ण है और आप एक लोटा जल उनके लिए अर्पित करते हैं तो आप अगले दिन यानी सुबह के समय वह जल तुलसी में चढ़ा सकते हैं। मंदिर में जो एक लोटा जल रखा होता है उसके अगले यानी सुबह के समय आप इस जल से अपनी आंखें जरूर धोया करें। इससे आंखों में रोशनी बढ़ती है और आंखों में जितनी भी बीमारी आ जाती है वह दूर होती है। शास्त्रों के अनुसार जो लोग मंदिर में एक लोटा जल भरकर नहीं रखते तो उनके घर में अकाल पड़ जाता है, घर कंगाल हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, परिवार में मुसीबतें आ जाती हैं और गरीबी का आगमन हो जाता है। आप चाहे तो एक लोटा जल में पुष्पादि डालकर रख सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। मंदिर में जो जल रखा जाता है उससे हम और क्या क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो इस जल का छिड़काव करने से बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती है। जैसे अगर आपके दुकान पर किसी की नजर लगी है, बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमारे काम को किसी ने बांध दिया है, मतलब किसी की बुरी नजर ऐसी लग गई है कि पहले तो दुकान बहुत अच्छी चलती थी अब नहीं चल रही है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। निश्चित ही बहुत जल्द ही आपको परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है और दिन दुगनी रात चौगुनी आपके व्यापार में तरक्की होती है। और हाँ, मंदिर में रखे हुए जल को आप अपने घर की रसोई में, खाना बनाने में, पीने में भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन खाना बनाने में प्रयोग तभी कीजिए जबकि आपके घर में बिल्कुल सात्विक भोजन बनता हो, मतलब लहसुन प्याज अगर आपके घर में बनता हो तो खाना बनाने में इस जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। फिर आप इस जल को थोड़ा थोड़ा परिवार के सदस्य मिलकर ग्रहण कर सकते हैं और बचे हुए जल को आप अपने घर में पौधों में डाल सकते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि मंदिर पर रखा हुआ जल बेकार होता है, किसी काम का नहीं होता है, बहुत सारे उपयोग इस जल के होते हैं। अगर हम सही तरीके से प्रयोग करें तो अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियों का समाधान मात्र इस एक लोटा जल से हम कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि मंत्रों से अभिमंत्रित जल बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत शक्तिशाली होता है और हमारे घर के मंदिर पर रखा हुआ जल देवताओं का आशीर्वाद होता है, क्योंकि पूरे समय वह देवताओं के पास होता है। देवी देवता वहाँ पर रहते हैं तो उस जल में हर प्रकार की शक्ति समाहित होती है जो कि सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं। और इस जल का प्रयोग अगर हम सही तरीके से करते हैं, मतलब उसको पीने में करते हैं, खाना बनाने में करते हैं, घर में जल का छिड़काव करने में करते हैं, तो इससे हमारी समस्याओं का समाधान होता है। और अगर कोई भी कार्य नियमित तौर पर, मतलब प्रतिदिन किया जाता है तो उसका हमें लाभ प्राप्त होता है।
कभी कभी करेंगे तो निश्चित ही आपको उतना लाभ दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर आप नियम बना लेंगे कि हर रोज उसी जल से घर में छिड़काव करना है, घर में प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा पीने के लिए देना है, बचे हुए जल को पौधों में डाल दीजिए, दुकान पर छिड़क दीजिए, अपने घर के व्यापारिक स्थल पर छिड़काव कीजिए, बच्चों की बुक्स शेष में, अपने घर की तिजोरी में, हर जगह इस जल का छिड़काव कीजिए और नियमित तौर पर कीजिए। चमत्कार आपको निश्चित ही देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से जो रसोई में रखा हुआ जल होता है उसका छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर कीजिए तो इसका भी आपको लाभ बहुत ही शीघ्र दिखाई देगा। लेकिन इसे अपने रूटीन में शामिल करना होगा, प्रतिदिन नियम से यह कार्य करना होगा, तभी आपको लाभ देखने को मिलेंगे। और हाँ, कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि मंदिर पर रखा हुआ जल होता है तो जब हम अगले दिन उठाते हैं तो उसमें कई बार कुछ चीजें पियारा जाती हैं, कोई कीड़े मकोड़े पड़े दिए जाते हैं क्योंकि खुला होता है, तो क्या हम उसे ढक सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ढक सकते हैं। जब आप पूजा करते हैं सुबह के समय, तो जब तक पूजा कर रहे हैं, जब तक मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, तब तक जल खुला रखिए, और उसके बाद जैसे कि आप पूजा पर से उठते हैं तो उससे पहले जल को किसी भी प्लेट से या कटोरी से ढक दीजिए। फिर जब आप अगले दिन उस जल को उठाएंगे तो बिल्कुल शुद्ध और साफ सुथरा जल आपको मिलेगा, और उस जल का प्रयोग आप अपने किसी भी कार्य में कर सकते हैं। और दोस्तों, आप जब भी घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़काव करें तो गणेश जी भगवान का यह मंत्र जरूर बोले, ओम गणपतये नमः, और जो हमने आपको वीडियो में बताया है उसे ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से समझकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करें। हे माता लक्ष्मी, इस वीडियो को जो भी लाइक करें उसकी गरीबी दूर कर देना, उसको भाग्य का साथ देना। जय माता लक्ष्मी।